नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 20 लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एक सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी जीडी या फिर बिहार दरोगा या फिर एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए सवाल को उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो रोबर्स कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। कौन सा खेल से है? फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि आयकर कौन लगाता है। तो आयकर ये केंद्र सरकार लगाता है। याद रखिएगा कि आयकर कौन लगाता है, यानी टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कौन सा भाषा में दिया था? तो वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप सबसे आपसे सवाल पूछते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, यानी कि 80 साल की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों, और कहाँ मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में मृत्यु हुआ था और जन्म हुआ था लुम्बिनी, अभी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। तो वो है अरावली पर्वत। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और अरावली पर्वत पर एक शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि अरावली पर्वत पर एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स, यानी ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो रक्त वर्ग ओ को, ठीक है, रक्त वर्ग ओ को सर्वदाता रक्त कहा जाता है। सर्वदाता इसलिए कहा जाता है, देखिए सर्वदाता का मतलब क्या होता है कि सभी को रक्त दे सकता है। जो ओ ग्रुप, जो ओ ब्लड वाले ग्रुप जो होंगे वो सभी को रक्त दे सकता है। एक होता है सर्वग्राही। क्या होता है? सर्वग्राही। तो कौन सा होता है? तो वो होता है एबी पॉजिटिव। ठीक है, एबी पॉजिटिव जो होता है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यानी सभी से रक्त ले सकता है, दे नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। तो है बहाई धर्म से। याद रखिएगा कि दिल्ली स्थित लोटस टेंपल का संबंध किस धर्म से है, तो बहाई धर्म से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि अभ्रक उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है। तो अभ्रक उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन है? आंध्र प्रदेश जो है ये अभ्रक उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था, और इसीलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर? ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है, अच्छा महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई है 854 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा कितना है? 854 किलोमीटर। और हीराकुंड बांध जो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, और हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। और ओडिशा का पुराना नाम क्या है? तो कलिंग जो है ये ओडिशा का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। कौन सा है? भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय चावल शोधन संस्थान कहाँ है। तो ये है कटक में। याद रखिएगा कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। अगर आपसे पूछेगा कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान है कटक में और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये मनीला, ठीक है, मनीला में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है मनीला में। ठीक है दोस्तों, मनीला किसकी राजधानी है, तो ये फिलीपींस की राजधानी है। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद चीतों के लिए
प्रसिद्ध अभ्यारण कौन सा है? तो वो है नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण, जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यानी कि नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, ये सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने कि ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ओडिशा का प्राचीन नाम है कलिंग। ठीक है, अच्छा ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? तो 1936 को, यानी 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत भारती के लेखक कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्स किरणों की खोज किया था रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। ठीक है, यानी कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। याद रखिएगा कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1951 से 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल ने। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 545 है। ठीक है, यानी कि लोकसभा में 545 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है कि अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। याद रखिएगा, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। देखिए, सबसे पहले कौन था? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, सबसे कट्टर माना जाता है औरंगजेब को। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कट्टर किसे माना जाता है? औरंगजेब को सबसे ज़्यादा कट्टर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रो अमत सेन थे, जो 1998 में इनको दिया गया था। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमत सेन, जो इनको 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट है कि एक माइक्रोन कितना मिमी होता है? तो एक माइक्रोन जो है 0.001 मिमी होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.001 मिमी, एक माइक्रोन बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कनाडी। क्या है? कनाडी जो है ये विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो 11 देशों ने। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो 11 देशों ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? तो कैट फिश। ठीक है, कैट फिश जो है ये बिना शल्क वाली मछली होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारत किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो वो है मैक्सिको। ठीक है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है मैक्सिको। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष
और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है गरीबी हटाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, 1974 से 1978 तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है, तो पहले अलमाती था, ठीक है, लेकिन अब अलमाती नहीं है, अब हो गया है नूर सुल्तान, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, ठीक है दोस्तों, क्या है, नूर सुल्तान। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने, सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुआ था 1953 को हुआ था, कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुआ था 1953 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो भारत में दशमलव प्रणाली शुरू हुई थी अप्रैल 1957 को, याद रखिएगा कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, अप्रैल 1957 को शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है कि सुखना झील कहाँ है, ये चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा कि सुखना झील स्थित है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन सा है, तो गोल गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज जो है ये विश्व का सबसे विशाल गुंबज है, गोल गुंबज, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है कि कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को, याद रखिएगा मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगाम अधिवेशन 1924, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में किए थे, ठीक है, और बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कर्नाटक में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, तो अगला सवाल आपके सामने कि किस नगर को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, तो बेंगलुरु को, ठीक है, याद रखिएगा कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है, ISRO। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1969 को हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो K.C. वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में किसने गोली मारा था, तो ऊधम सिंह ने गोली मारा था, याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारा था, तो ऊधम सिंह ने मारा था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने, सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त प्रथम ने, ठीक है, याद रखिएगा कि कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या था, तो मनुबाई, ठीक है, मनुबाई जो है रानी लक्ष्मीबाई की अन्य नाम था। नेक्स्ट है कि कला की गंधार शैली का विकास कब हुआ था, तो कला की गंधार शैली का विकास हुआ था कुषाण के समय, कब हुआ था, कुषाण के समय कला की गंधार शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है, तो बुध और शुक्र, ठीक है, याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच है बुध और शुक्र, ठीक है। देखिए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध, ठीक है, और शुक्र को ग्रह ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, याद रखिएगा। बुध और शुक्र का दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी दो ऐसे ग्रह है बुध और शुक्र जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के दो उपग्रह है, कौन कौन सा है, तो फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। पृथ्वी का कौन सा है, तो पृथ्वी का है चंद्रमा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो ये देवप्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा जो है ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, कार्बनिक पदार्थ की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल
अगला सवाल आपके सामने कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने मापा था। याद रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट है कि दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। ठीक है, यानी कि दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। याद रखिएगा कि गारो हिल्स जो है ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल को विभाजित कौन करता है? तो सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक है, सतपुड़ा श्रृंखला जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल को विभाजित करता है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्सू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? होन्सू द्वीप। नेक्स्ट है कि हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? तो 24.4 होता है। याद रखिएगा कि हीरा का क्रांति कोण होता है 24.4। अगर आपसे हीरा का अपवर्तनांक पूछ देगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। पानी का पूछेगा तो पानी का होता है 1.33 होता है, यह अपवर्तनांक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो अवतल लेंस की भांति काम करती है। याद रखिएगा कि वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति काम करती है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिव राव को। ठीक है, सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह, यानी कि सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया राजधानी क्या है? तो जाकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। लेकिन जाकार्ता जो है ये समुद्र में तेजी से डूबने वाला शहर, यानी कि काफ़ी तेजी से डूब रहा है। अब इंडोनेशिया की जो सरकार है, अब इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करेगा। कौन सा द्वीप? बोर्नियो द्वीप पर। यानी कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप। फिलहाल तो अभी जाकार्ता ही है। ठीक है, और आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया राजधानी जाकार्ता में स्थित है। और आसियान में कितने देश आते हैं? तो आसियान में 10 देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत शामिल नहीं है आसियान में, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी बात। नेक्स्ट है कि विजयनगर के पुरावशेष कहाँ है? तो वह है हम्पी में। ठीक है, हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो विजयनगर के पुरावशेष कहाँ है? हम्पी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी को। कब हुआ था? 1336 ईस्वी को विजयनगर की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का एक दो भाई था। ठीक है, ये दोनों भाई ने मिलकर किसका निर्माण किया था? तो विजयनगर की स्थापना किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी को। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉक्टर सी वी रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी को मिला था। याद रखिएगा कि डॉक्टर सी वी रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंटीग्रेड और फोरनहाइट समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फोरनहाइट समान होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि नाइजीरिया को कब स्वतंत्रता मिली थी? यानी कि नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1960 ईस्वी को। ठीक है, 1960 ईस्वी को नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिला था।
नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। लेकिन अब योजना आयोग की जगह क्या हो गया है, तो ये आ गया है नीति आयोग। याद रखिएगा योजना आयोग की जगह अब क्या आ गया है, नीति आयोग। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1 जनवरी ठीक है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है 1 मई 2015 को इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को, ठीक है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। यानी योजना आयोग की जगह क्या आ गया है, अब नीति आयोग आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।